नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर। तो आज हम इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं IFBB वॉशिंग मशीन की जो कंप्लीट सारी जानकारी जो आप हमसे पूछते हैं, जो हमारा दूसरा चैनल है SK Tech, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो अब से आपको वॉशिंग मशीन वगैरह के बारे में टोटल सारी जानकारी इसी चैनल पर मिला करेगी। तो ये प्रियंका जी है जिनका ये चैनल है और यही सारी जानकारी हमें प्रोवाइड कराते हैं। इससे पहले जितने भी हमने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाए थे, अब हम इनसे बात करेंगे। आपने जो जो हमसे सवाल किए हैं IFBB वॉशिंग मशीन के बारे में, तो एक एक करके हम इनसे सवाल करेंगे और आप इनके जवाब जो भी है आपको सही लगते हैं या आप जो भी जानना चाहते हैं राइट डाउन करके लिख सकते हैं। और आपका कोई भी एक्स्ट्रा सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ऐसा इस तरीके का हम वीडियो बनाते हैं तो आपका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले हमें बताइए, जैसे नॉर्मली लोगों के सवाल होते हैं कि किस तरीके से वाटर को, पानी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं पानी को। यहाँ से वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट हो गई। अब जैसे अपने कपड़े वगैरह डाल दिए तो अपने को लेवल देखना है कि कितना कपड़े हैं अपने, उसी हिसाब से अपने को पानी डालना है। तो यहाँ पर जैसे अपने को जींस पे लेके आना है तो यहाँ पे जींस पे आ गए, और उसके बाद ये है कपड़ों का पानी का लेवल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना अपने कपड़े हैं और किस हिसाब से हैवी कपड़े हैं तो अपने को कितना पानी लेना है। तो ये पानी का लेवल है, अपने को जितना करना है उतना कर सकते हो आप। जैसे ये पूरा कंप्लीट पानी आपको दिख रहा है, ये हमें जब ज़रूरत होती है, जब ब्लैंकेट वगैरह धोते हैं उस हिसाब से पानी फुल की ज़रूरत होती है। अगर नॉर्मल कपड़े अपने धोते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितना अपने को पानी का लेवल ज़रूरत है, उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। मतलब आपका कहने का मतलब है कि नॉर्मली हम घर पे जो भी कपड़े धोएंगे, हमारे आम कपड़े जो धोएंगे, आपको जींस पे धोने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली हमारे कपड़े लगभग एवरेज मैले होते हैं और हम उनको जींस पे धोएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, जो पानी का लेवल है उसको यहाँ पे करके सेट कर लेंगे। मान लो हमें थोड़ा पानी डालना है या थोड़ा ज़्यादा, या जिस हिसाब से आप पानी को सेट कर सकते हैं। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमें गर्म पानी डालना है ऊपर से, तो आपको क्या करना है, इतना पानी नॉर्मली आप डाल लें, इतना पानी डालने के बाद गर्म पानी ऊपर से आप डाल सकते हैं। हालांकि इसके अंदर गर्म पानी का सिस्टम होता है लेकिन कई लोग यूज़ नहीं करते, फिर भी आप इसको सेट करके, मान लो ये पानी वो टैप से, मतलब इसके अंदर से खुद से लेगा और बाद में आप ऊपर से एक्स्ट्रा गर्म पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ। मान लो आपके यहाँ पे कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ के पानी की प्रॉब्लम है, पानी बहुत ज़्यादा कम आता है, तो आपको पानी को यहाँ करना है एक्वा के ऊपर, तो एक्वा के ऊपर आपको पानी को सेट कर लेना है। यहाँ पे पानी बिल्कुल कम लेगा, बिल्कुल कम पानी को यूज़ करेगा, एक्वा कंजर्व मतलब पानी का संरक्षण करेगा ये। उसके बाद में आप देख सकते हैं स्मार्ट सेंस, आप अपने हिसाब से हाइजीनिक, आपको बहुत ही अलग तरीके के, मतलब बहुत ज़्यादा पानी के साथ कपड़े धोने हों, साइलेंट मोड मतलब बिल्कुल कम आवाज़ के साथ एक्सप्रेस जल्दी से धोने हों, और ये बाकी आपको सभी पता है किस तरीके का यूज़ होता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स वेयर बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े, ठीक है, डेलिकेट्स वगैरह और ब्लैंकेट बहुत हैवी कपड़े, मतलब जैसे कंबल वगैरह, जींस होते हैं नॉर्मली हमें, और साड़ी होती है बिल्कुल लाइट तरीके से, हल्के तरीके से धोने के लिए। ओके, हमने अब ये पानी का लेवल समझ लिया और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि गर्म पानी को किस तरीके से धोना चाहिए। अब आप बताएं टेम्परेचर को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। मान लो हमें पानी, हमने इतना ले लिया और पानी इतना ले लिया तो कोल्ड पे चलेंगे। कोल्ड अपने को कितना 30 पे जाना है या 40 पे जाना है, 60 पे जाना है, आप उसी हिसाब से पानी का टेम्परेचर देख लिया। आप कैसे कपड़े डाल रखे उसी हिसाब से आप 30 पे, 40 पे, 60 पे आप टेम्परेचर कर सकते हो। तो ठीक है, हमने ये टेम्परेचर का हो गया, थोड़ा बहुत गर्म पानी लेना है तो हम इसको दबा के जैसे 30, 40, 60 इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप नंबर जाएगा ये 40, 30, 60, ये जिस हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली कपड़े होते हैं अपने 30 पे नॉर्मली वॉर्म करके धो देगा कपड़े आपके, और ज़्यादा आपके जैसे कंबल वगैरह धोने हैं तो आप 60 पे कर सकते हो, तो उसी हिसाब से आपका अपने आप कोल्ड, जब कोल्ड पे होगा तब ये कोल्ड पे रेड आ जाएगा, जब ये पानी को गर्म करेगा तब ये वाला निशान पे एक्टिव हो जाएगा। और जब प्रॉब्लम ये, जब हमने जब शुरू शुरू में वॉशिंग मशीन ली थी तब हमें ये प्रॉब्लम आई थी
हम गर्म पानी कब ले रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये टाइम लगाता है। जब आप कोल्ड पे लेके आओगे तो ये आराम से वार्म गर्म करके पानी, फिर ये स्टार्ट होगा, फिर गर्म करेगा, फिर ये स्टार्ट होगा। तो आप यूं मत सोचना कि ये इतना टाइम क्यों रुक गई अपनी मशीन। तो ये हमारे साथ भी हुई थी, तो लेकिन आपके साथ भी हो सकती है, आप भी सो सकते हो। तो ये टाइम लेती है, जब ये गर्म करेगी उसी हिसाब से ये फिर डालेगी, फिर गर्म करेगी, फिर ये रुक रुक के पानी डालेगी जिस हिसाब से गर्म होगा पानी। आगे का क्या सवाल था? आगे है ये सोक का ऑप्शन, जैसे वाश करना, सोक करना। अच्छा, इसका है तो अपने को वॉश कितनी देर तक करना है। जैसे मैं करती हूँ 58 मिनट पे, जैसे 58 मिनट पे, 58 मिनट पे नॉर्मली कपड़े हमारे डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं वो आराम से अच्छे से धुल जाते हैं। और नॉर्मली आपको करना है, जैसे ज़्यादा ज़्यादा भी आप कर सकते हो, देख लो। जैसे जैसे आप टाइम करोगे उसी हिसाब से ये जितनी बारी में आपके कपड़े धोएगा, जैसे सोक करके। और इसका मतलब एक ये भी है, सोक वाश, लेकिन ये मतलब कपड़े भिगो के रखेगा। 58 मिनट पे अपने करेंगे ना, तो ये कपड़ों को भिगो के रखेगा, उसके बाद वॉश करेगा। मतलब इतनी देर तक ये कपड़ों को खंगालेगा या भिगो के रखेगा, उसके बाद में वॉश हाँ, करेगा। बाद में रिंस, हाँ, रिंस। रिंस का मतलब है रिंस ऊपर कपड़े अगर अपने धुले हो और उनको अपने को रिंस करना है। जैसे नॉर्मली इसमें होगा जो टाइमर सेट लगा के रख देंगे तो वो अपने आप ये रिंस करके कपड़े सुखा के अपने आप इसका अलार्म बज जाएगा वॉशिंग मशीन का, और आप हमें पता चल जाएगा। अगर अदरवाइज आपने बाहर कपड़े धोए और आपको रिंस करने हैं, सिर्फ रिंस करने, तो आप इस पे कितनी बार आपको रिंस करना है, 3 बारी 4 बारी, उसी हिसाब से आप कितना सर्फ के हिसाब से अकॉर्डिंग उसको आप रिंस लगा सकते हो। आगे का सवाल, आगे है स्पिन। स्पिन रिंस होल्ड है, ये आपके कपड़े मतलब भिगो के रखेगा। जैसे रिंस करना है भिगो के रखेगा, और उसी उसके हिसाब से आपके होल्ड करके कपड़े आराम से मतलब टाइम सेट करेंगे तो वो धुलेगा ही, और इसमें अपने करेंगे तो वो अगर सर्फ का है तो होल्ड करके उसके बाद रिंस, उसी हिसाब से टाइमिंग अपने सेट करके रख सकते हैं कितनी बारी अपने को, मतलब वो कितनी बार स्पिन हाँ, करेगा स्पिन उसको। करेगा उसी हिसाब से, 2 बारी 3 बारी, उसी हिसाब से कितनी बारी वो टाइम आप सेट करके यहाँ पे लगा सकते हो। आगे का टाइम डेली, टाइम डिले, डेली है क्या? तो टाइम का ये है कि आप उसका मतलब हुआ कि आप थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करना चाहते हो, हाँ, मतलब वॉशिंग मशीन को और थोड़ा टाइम देना चाहते हो धोने के लिए, तो वो टाइम डिले उसमें आ जाता यहाँ है। पे आप सेट कर सकते ठीक हो। है, और एयर ड्रायर तो आप देख ही सकते हैं। एयर ड्रायर में आप नॉर्मली अगर आपने बाहर कपड़े धोए हैं और सिर्फ आपको ड्राई ड्राई करने हैं, तो यहाँ पे आप ऑन करोगे, फिर स्टार्ट, और उसके बाद ड्रायर, यहाँ पे फिर ड्रायर होने लग जाएंगे कपड़े, तो ये होता मतलब है। हमको अकेला अगर ड्राई करना हो, बाहर हमने कपड़े धोए हैं और ऐसा मौसम है कि हमें ओनली ड्राई करने कपड़े, हाँ, तो हम इसको यूज करके कर स्टार्ट सकते हैं। किया, इसको दबाया स्टार्ट, इसमें बस आपको ड्राई, ये अपने आप ड्राई करेगा सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा ऐसे भी होता है कि आपको मान लो कपड़े धोने हैं और ड्राई नहीं करने हैं, इसके अंदर सीधे सुखाने हैं, तो आपके कपड़े जहां तक धुलते हैं ड्रायर का ऑप्शन आता है, वहां आप इसको मशीन को रोक के नॉर्मली आप बाहर कपड़े सुखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कंप्लीट प्रोसीजर था इसका, वॉशिंग मशीन का किस तरीके से ये काम करता है। और और आप ये अगर आगे का कोई भी सवाल हो तो आप इससे रिलेटिव कोई भी आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने भी जब भी मशीन ली थी मेरे को धीरे धीरे समझ में आया था। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, तो मैं आपको हर चीज़ का आपको बताऊंगी, टब क्लीन करना वगैरह। आगे का सवाल आप जैसे करोगे मैं आपको बता दूंगी। अगर आपकी मशीन कहीं कोई किसी तरीके की आवाज करती है तो लेवल को चेक कर लीजिए आप। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि जो ये लेवल है ये सेंटर में होना चाहिए, ये वाला लेवल। अगर ये लेवल बिगड़ता है, इधर उधर होता है, मतलब आपकी मशीन का लेवल खराब है, जिस वजह से आपका जो मशीन का ड्रम है वो भी खराब हो सकता है। तो आपको इस तरीके से और टाइम टू टाइम अपनी जो ड्रेने पाइप है, जो पाइप पाइप पानी निकलता है बाहर, उसको भी चेक करता रहना चाहिए, जाली साफ करनी चाहिए, और जो इनलेट पानी है, जो पानी अंदर आता है, उसकी भी जो कंप्लीट क्लीनिंग करनी चाहिए टाइम टू टाइम। अब आगे आप सवाल करना करना, उसी हिसाब से हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे।
इसको साफ कैसे करते हैं, इसका टफ कैसे क्लीन करते हैं, वो मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और अब आगे आप सवाल करके पूछना कि पाइप वगैरह आप कैसे क्लीन करते हो, हम वो आपको अलग अलग चीजें बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर और दीजिए प्लीज ऐसे। चैनल को सपोर्ट करिए फुल, और इससे रिलेटिव आपको भी कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना, तो मैं आपको हर एक चीज का जवाब दूंगी। ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको वॉशिंग मशीन को लेकर प्रॉब्लम आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।